गाइस दिंदर कौर तरफों सब नु सत श्री अकाल। ते मैं स्टार्ट करांगी योगा। उस तो पहले तुहानू मैं कुछ दसना चाहती हाँ कि मैं 2004 तो योगा कर रही हूँ। ये स्वामी रामदेव जी महाराज जिन्हां दा सब तो पहला शिविर लगा सी पंचकूला 2004 च, जिहड़ा मैं अटेंड किया सी और जिसकी यादा हुण भी मेरे अंदर ताजियां है कि मैं पहला शिविर किदां अटेंड किया सी और असी कितना कुछ सीखा सी जो कि अज तक वो साढ़े अंदर है। तो चलो मैं तुहानू करके दिखानी हाँ योगा। असी बहुत कुछ सीखा इतों और सानू नवी जिंदगी मिली इतों, तो असी हुण करांगे योग। तो सब तो पहले मैं स्टार्ट करांगी कपालभाति। दोनों फिंगर्स नू फोल्ड करो और लंबे लंबे श्वास भरो। पहले असी थोड़ी ऑक्सीजन बॉडी विच लेनी है तो वो असी लंबे लंबे सांस लाएंगे। इन्हों भस्त्रिका भी कहते हैं। लंबे सांस लो, अपने फेफड़े तक छाती तक लेके जाओ, फिल करो और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दो। थोड़ी मर्जी है, तुसी जितना टाइम मर्जी कर सकते हो। उस तो बाद ऐसी करांगे कपालभाति। बिल्कुल ध्यान नाल बैठो और अपना ऐसी जिहड़ा पेट है इसनों अंदर खींचना है, जिदा असी फूक मारते हैं तो फिर बाहर असी फूक मारनी है, जैसे अंदर खींचना है। जिदा असी नक सड़कते हैं ना बाहर, कोई चीज़ फेंकते हैं असी उस तरह, देखो अरे पेट याद रख दो, पेट अंदर जाना चाहिए। अंदर बाहर जिन्हें असं धक्के लगा रहे हैं और जितने साढ़े अंदर पेट च जो भी जितनी भी तरह की अपने अंदर है, स्टमक है, इस च असी हार्ट किडनी लीवर ये सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस होंगे। जब असी लोग करते हैं ना कपालभाति, तो सारी जितने भी बॉडी पार्ट्स है ना वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। मेन है कपालभाति, तुसी जरूर करो, रोज करो और अपने वास्ते। जे थोड़े को नहीं बैठ के नहीं हो, जे तुसी बीमार हो तो तुसी लेटे लेटे भी कर सकते हो। उस तो बाद अनुलोम विलोम, जेड़ा साड़ी ब्रेन तो लैके बॉडी विच जितने भी नस नाड़ियां ना सारे खुल जाते हैं। एक पासे सांस लेने, दूसरे पासे छोड़ना, एक पासे लेना तो पासे छोड़ने। आहिस्ता आहिस्ता जितना टाइम चाहो तुसी कर सकते हो। इस तो बाद है सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जिहड़ी सानू डेली रूटीन च करनी चाहिए है। इहदा अगे लै जाओ, एल्बो ते रखो, अपने नैक दे कोल रखो इहनू और एल्बोज दे इकट्ठे करो और इसनू घुमाओ। मूव मूव, तुहानू बहुत रिलैक्स मिलेगा, कंधे नू नैक नू बहुत रिलैक्स मिलेगा। तुसी डेली करो, इनू टर्न कर लो बैक साइड तो ही। आज कुछ एक्सरसाइज तो मैं दसूंगी वेट वास्ते, वेट कटाने वास्ते। उस तो पहले अभी बटरफ्लाई करनी है, ये थाइस वास्ते बहुत अच्छी है। इंटरलॉक कर लो, पैर देखो रखो और इसनों जिदा तितली उड़ती है ना उस तरह उड़ना है। उड़ना नहीं, असी असी उड़ना नहीं, असी इतने बैठना है और असी करना है। इन्हों कहते बटरफ्लाई। स्वामी रामदेव ने लोगों नवी नवी जिंदगी प्रदान की है और मैं उन्हों का रोज़ प्रोग्राम देखती हाँ, क्योंकि असी शिविर उत्थे जा नहीं सकते, लेकिन तुसी टीवी देखना कि किस तरह
दुनिया की सेवा कर रहे हैं। उस तो बाद ऐसी होल्ड करो, बैठो, खाना खाने तो बाद जरूर बैठा करो इसमें, ये भी बहुत अच्छी है, से डाइजेशन ठीक रहती है और अपने ध्यान भी लगता है। दोनों हाथ इत्थे रखो, चाहो तो तुसी फिंगर कर सकते हो इंटरलॉक करके। इन्हें नाल ही है डायबिटीज वास्ते, दोनों हाथ एक दे ऊपर एक रखो, नाभि को रखना और असी झुकना, इन कहते हैं मंडूक आसन, ये डायबिटीज वास्ते बहुत अच्छी है। और असी इतों तक सिर ले जाना और फिर असी अगे देखना, 1 2 3 4 5 श्वास भरो बाहर, फिर रखो सारा बाहर कट के श्वास प्रेस करना, 1 2 3 4 5।